बिहाने 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 ओ जुदाई के माहुर जुदाई के माहुर पिया अलगा रहे के सिखा देलू हो अलगा रहे के सिखा देलू हो जुदाई के माहुर पिया देलू हो अलगा रहे के सिखा देलू हो अलगा रहे के सिखा देलू झूठहु के क्रिया तू खैलू खियावालू नहीं आके बगिया में अगिया लगावालू बेवफाई होला का बता देलू हो अलगा रहे के सिखा देलू हो अलगा रहे के सिखा देलू हो अलगा रहे के सिखा देलू हो मैं तो आज बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुशी का समाचार लाई हूँ बिहाने बिहाने। लेकिन मेरे घर का जो एक दूसरा मेंबर है इतना सैड काहे है बिहाने बिहाने? चुप रहा पहले। दर्द वाला गाना के का कारण बा? इतना दिल टूटल वाला गाना के का भइल बा? कुछ नहीं के भइल, सब अपने ही पापड़ बेल्ले बड़ू ओकरबत का भइल बा। तू चुप रहा, तू मत बोला कुछ। ला अच्छा, पहले तो रउआ सब हमार प्रणाम स्वीकार कर ली। पता ना इनका अभी अब काका होए वाला बा, इनका साथ हमार लक्षण ठीक नहीं है बुझात। विजया भारती के तरफ से रुआ सबके प्रणाम बा, सुप्रभात बा, गुड मॉर्निंग बा, नमस्कार बा। और हमरो तरफ से, हम अजीत आनंद के तरफ से स्वागत बा बिहाने बिहाने में रुआ लोग के। और प्रणाम करते नहीं गोर लागत नहीं, जिनकर दिल टूटल बा, जिनकर आज रोनी सूरत बा, उनका तरफ से प्रणाम। ठीक बा, अब कारण का बा? कारण कारण क्या बात, तारा कारण तो पता बनू सब, तारा का कारण बटे? तू इतना दर्द वाला गीत सुनैला बिहाने बिहाने, आदमी ताजगी के मूड में रहेला। आ हम तरह के बताई कि कैसन गाना गावेल के मौसम बा आज, आ समाचारो बा, बोला तो बता दी। कुछ बजावा ब्याह शादी के माहौल वाला गीत, ई मुलटका गीत से मिजाज खराब हो गइल बा बिहाने बिहाने। अरे खुशी उसी वाला बात बा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, अजित भैया बजाएगा बाजा, अजित भैया बजाएगा बाजा, अजित भैया बजाएगा बाजा, अजित भैया खिलाएगा खाजा। अरे भाई ज्यादा अथी कलू तो हम उठ के चल जाम, बता देता नहीं। मत जा बाबू, जरला पर नमक छिड़का तरू, और तू बड़का अथी हो गेल बड़ू, तेज अपना के बना तरू।
का अब हम का कहीं बताएं, इतना बढ़िया सुबह बा, प्रात काल के बेला बा, मंदिर में घंटी बाजता, घर घर में खुशी के लहर बा, आकाश में एकदम सूरज भगवान के किरण फैलल बा, इधर ही हाल बा, अब हम का कहीं बताएं जरा। हमरा मन में खुशी के बात बा, काहे कि हमार छोट बहिन के ब्याह तय हो गई बा, बहुत सुंदर लड़का से, कमाऊ लड़का से, सुंदर लड़का से, कमाऊ लड़का से, कमाऊ लड़का से, कमाल लड़का, विचार व्यवहार भी बहुत अच्छा बा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना, बैल घाटी में बैल बेचेला, कमाल हम पसंद नहीं की, ठीक बा। ओ तो नाराजगी के बात यहाँ बा, अच्छा इहे से दिल टूटल बा, देखे दुल्हा दिल ऐसे टूटल बा कि कहीं भी रहस नीमन से रहस, बैल घट्टी में काहे के चल गई है। एकरा कहल जाला उच्च कोटि के प्यार, प्यार बियाह कहीं और तय हो गईल बा, लेकिन देखी बेचारा के दिल के प्यार और दुलार, दिल से दुआ निकलता, तो चलिए ठीक बा, भगवान करे इनकर दुआ उनका के लागे, और अभी जन बा फिलहाल जरूरी हो गईल बा इनकर मिजाज और सेहत के देखते हुए कि थोड़ा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी बा। वो सब बात हटावा ब्याह शादी के, अब वो सबसे तनी दूर हमरा रहे के बहुत सब बात से, और दर्शक लोग के तनी चिंता हमरा पड़ गई। ब्याह को शादी करे खातिर देवर जी ना, शरीर के स्वस्थ रहल बहुत जरूरी बा। अच्छा ठीक बा, दर्शक लोग अब प्रोग्राम में हम सोचे तनी कि वो सब बात तनी मनी इन्हें उन्हें कह दी, और इन्हें उन्हें करते हुए प्रोग्राम के आगे बढ़ाई, और एकदम ताजगी के साथ एकदम बढ़िया से आज मिलजुल के देवर भौजी के साथ रहो लोग करें योग। ब्याने ब्याने देखे वाले सभी दर्शकों का एक बार हमारा फिर नमस्कार। आज हम बताएं आपके लीवर यानी यकृत लीवर अगर खराब हो गया, काफी हद तक आपके बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगा। लीवर कैसे, लीवर अगर ना काम करा था तो आप देखें कि आपकी बॉडी में तरह तरह के प्रॉब्लम हो जाए। हम आपके बताए योग के सिंपल आसन जो अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप कहें कि आपको जो लीवर का जो दोष है वो जड़ से दूर हो जाए। एवं पहली क्रिया कहा एक कहा जाला योग में कूर्मा आसन, यानी हमारे शरीर का जो आकृति है कछुए नुमा हो गए, ये करके हमारे ऋषि का नाम रख लें हुआ कूर्मा आसन। कूर्मा आसन बहुत सिंपल आसन है, मन करे कि कहा आपके बैठ जाइए आप, दोनों पैर परस्पर आपस में आप खोल दिए दोनों पैर, उसके बाद दोनों पैर के जो हील है आपस में मिली रही, पंजे आपस में मिल रही हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप यथासंभव प्रयास करें आपका जो ब्रीदिंग हुई, जो सांस की गति हुई सामान्य हुई, आप कोशिश करें आप जो आपका जो फोरहेड है वो टच कर रहा था आपके हील का। बहुत सिंपल है, कुछ देर आप इस अवस्था में रुकी हैं और आपके लगत आप ना रुक पावत हुए, धीरे धीरे आप उठिए और वापस आइए। ये कराला कूर्मा आसन, जो नए अभ्यासी हो चाहे तो इतना झुक सके ना, लेकिन कोशिश ये हो कि चाहे कि हमके ज़्यादा से ज़्यादा आगे झुके के, ये कराला कूर्मा आसन। ये आसन का 3 से 5 बार आपके प्रैक्टिस करे के, लेकिन एक बार आपको जरूर ध्यान रखे कि जिनके लोअर बैक का प्रॉब्लम है, शाइटिका का प्रॉब्लम है, या यहाँ नीचे दर्द होता, उनके अभ्यास वर्जित है, हृदय रोगी के अभ्यास वर्जित है, हाँ गर्भवती महिला एक प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद दूसरा आसन जो आपको बताओ थे वो कराला जानो शीर्षासन, जानो माने घुटना, शीर्ष माने सर। ये आसन में हमके का करे के है कि अपने अपने सर के अपने घुटने के टच कराने की कोशिश करे के है। आए करिए जानो शीर्ष आसन, दोनों पैर परस्पर सामने फैल गए हों, उसके बाद बाएँ पैर के हम मोड़ी, बाएँ पैर हमारे यहाँ लगी सीवनी नाड़ी, ये कहला पेरिनियम में अंग्रेजी में कहला पेरिनियम, यहाँ लगी। उसके बाद हम का करब, दोनों हाथ से अपने पैर के अंगूठे के पकड़ ले, बिट्टों के पकड़ ले, और कोशिश करब कि हमारे जो फोरहेड वो हमारे घुटने के टच करें, हमारे घुटने के टच करें। अगर आप नए अभ्यास हैं आपका लगा था ज़्यादा स्टिफनेस है यहाँ, ज़्यादा मतलब कड़ा पाना था, आप ज़्यादा ना झुकें, और एक बार जरूर ध्यान रखें कि वही जब एक आप प्रैक्टिस करिए तो यथासमय पैर के खोल के थोड़ी मोड़ी अपने थोड़ा सा वार्म अप कर लिए, नहीं तो आपके प्रॉब्लम हो सकेगा। काएँ करें जानो शीर्षासन, देखा पैर के अंगूठे पकड़ ले हम, और बाद अपने फोरहेड के लगाव थे, ये ध्यान रखें कि हमारे पैर ऊपर ना उठे, अगर ऊपर उठे तो आपके फायदा ना हो। ये करारा योग में जानो शीर्षासन। दूसरे पैर से आपके करके बताओ थे, दूसरे पैर से वही विधि है, बाएं पैर बिल्कुल सीधा रहे, कोशिश करें कि दोनों हाथ, कुछ लोग ऐसे भी एक कर प्रैक्टिस करना जैसे आपके मतलब आसानी पूर्वक आप कर सकें आप प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे अपने फोरहेड के लगावनी, कुछ देर रुकनी, श्वास की गति बिल्कुल सामान्य रही, उसके बाद धीरे धीरे उठा, ये हो गए जानो शीर्षासन। ये आसन का अभ्यास 3-3 बार दोनों ओर से आपके करे के हो। तीसरा जो नाम आसन बताओ थे ये कलाला योग में पश्चिमोत्तान आसन, पश्चिम माने पीठ, तान माने तानना झुकना,
ई कलर और पश्चिमोत्तानासन। थोड़ा सा योग का मुश्किल आसन है, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे आपके प्रैक्टिस करे के हुई। पश्चिमोत्तानासन में आपके का करे के हुई, दोनों पैर बिल्कुल सामने फैल जाए, दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। उसके बाद हम पहले जानु शीर्षासन में हम का कह लेना नहीं कि भाई बाएं पैर हमारा मुड़ रहा या दाएं पैर हमारा मुड़ रहा, हमने कहा दोनों पैर बिल्कुल सीधा रहें। उसके बाद हम लंबा गहरा सांस भरा, सांस भर छोड़ते हम नीचे आए, कोशिश करा हमारा जो फोरहेड है वो घुटने के टच करें। भाई बड़ा सिंपल तरीका है, और एक बार करिए लंबा गहरा सांस भरने, सांस छोड़ते छोड़ते फिर वापस आ गए। ये करारा योग में पश्चिमोत्तानासन। जब हम नीचे झुकल हैं तो हमारे जो हम जितनी देर नीचे झुकल हैं हमारे जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल होके चाहिए। वैसे हम ना सांस भर के गए नहीं और छोड़नी, जब हम नीचे हैं हमारे ब्रीदिंग नॉर्मल होके चाहिए। लेकिन आसन योग का मुश्किल आसन है तो पहले बता देते हैं किनके बदे वर्जित था। हृदय रोगी एक अभ्यास कब्बो ना करें, हार्निया पेशेंट उनके वास्ते वर्जित था बिल्कुल, उनके अभ्यास ना करें। हृदय रोगी के अलावा उच्च रक्तचाप के रोगी जिनके हाई ब्लड प्रेशर हो वो का अभ्यास ना करे के चाहिए। साइटिका जिनके प्रॉब्लम उनके बदे वर्जित है। एक एडवांटेज कहा पूरी बॉडी में खिंचाव आला, चेहरे पे कांति तेज हो जाला और ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की ओर होला, उससे ब्रेन वास्ते बहुत अच्छा हो, चेहरे वास्ते लंग्स वास्ते बहुत अच्छा। ये आप देखना किस प्रकार से योग के तीन आसन यकृत यानी लीवर वास्ते लाभप्रद हो, ये रामबाण का काम करना। इनका आप निरंतर अभ्यास करिए तो आपके लीवर का कब्बो प्रॉब्लम ना हो। अगले प्रोग्राम में हम आपके किसी और विषय किसी और बीमारी के बारे में बताएं, तब तक हमके इजाजत दें। आप सभी के हमारे एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार। ए भाई योगा कैला के बाद तो हमरा ऊपर ऐसा असर हो रहा बा कि हमरो अंदर थोड़ा थोड़ा प्यार के उबाल आवे लगल। का कही इन्फेक्शन तो ना हो गई तारा साथ बैठ के हमरा? साइड इफेक्ट हो गई। साइड इफेक्ट। देवर जी को बात कही, अब तू अपन जरा चेहरा पर स्माइल ले आव। काहे बोलो? लावो तो पहले। हाँ। हम अपना दोनों के का रिश्ता बा? देवर भौजी के। देवर भौजी के। देवर भौजी के रिश्ता में का का होला? मजाक होला? सही बात बा, बियार ठीक नइखे भइल। पक्का? बात पक्का बा। पक्का? तब तो डांस और गाना होगा कि चाहिए। इतना जोर से पक्का। और अनुराग भैया एक बार हमारे ऐसे ही डांस कर ले। हाँ, इतना जोर से पक्का करबो तो हम फिर नमक पक्का होकर के पक्का बना के कहानी है। ये खुशी में हमरा आज सिनेमा दिखाई ले चलो। गाना पहले होगा, उसके बाद 8:30 बजे के बाद हम लोग चलेंगे लोकनाथ चित्र मंदिर में सिनेमा देखे खातिर। ना वो सब में हम ना जाए, थर्ड क्लासी वाला आजकल खुलल बा मल्टीप्लेक्स में, बड़का बड़का मॉल में सिनेमा हॉल। कब तक दिल्ली कलकत्ता नो जाए के परी ना? हाँ। आस पास में जहाँ जाए हम टैक्सी रिजर्व करके जाए। ठीक बा, जाए। ठीक बा भौजी के भाई, हम देख ला लो, अब खुशी के बात हो गई, तब मिजाज तनी हमार फरहर हो गई। खानो घर में ना बनाई व्रत का, डिनर बाहरे करल जाए। अच्छा डिनर बाहर भी कल जाए, डिनर भी बाहर कल जाए। तो दर्शक लोग गाना सुना जाए और मस्ती कर जाओ। देखो देखो भैया जमाना के खेला, देखो देखो भैया जमाना के खेला, देखो देखो भैया जमाना के खेला। सास फेंके गोबर पतोह देखे मेला, सास फेंके गोबर पतोह देखे मेला। देखो देखो भैया, अरे देखो देखो भैया जमाना के खेला, देखो देखो भैया जमाना के खेला। बैठे ली गोड़ावा फैलाई बुढ़िया माई बन के, जाली रोजे हाट बजारे ओठलाली रंग के। और केहू रोके टोके तो झगड़ा बढ़ेला, केहू रोके टोके तो झगड़ा बढ़ेला। सास फेंके गोबर पतोह देखे मेला, सास फेंके गोबर पतोह देखे मेला। देखो देखो भैया, अरे देखो देखो भैया जमाना के खेला, देखो देखो भैया जमाना के खेला, देखो देखो भैया जमाना के खेला। वाह सोनू वाह सोनू वाह सोनू।
अरे देखा देखा भैया भौजाई के नाना कंट्रोल में बोला देवर कुछ ना बोलनी है। चला भौजी, आज दर्शक लोग बता दे कि बिहाने बिहाने के अंगना में एगो नवयुवक और बिल्कुल नाजुक उम्र और कम उम्र के साथ गाते हुए भौजाई के तनी मनी शिकायत करते हुए हमने के बीच में जाहिल बड़ों का नाम भौजी है बता दे। एगो बबुआ बा, बबुआ के नाम बा सोनू, सोनू तिवारी जी, सोनू तिवारी भी बा तिवारी जी, ओके सोनू तिवारी जी। तो रउआ जो गीत गौनी है बहुत अच्छा लागल और गीतों में कोनो नाजायज बात ना रहल है। अरे मेला घूमे के उम्र भौजाई के बा, आज ना मेला घूमी तो बुढ़ापा में घूमी। हाँ, अब बेचारी माता जी थक दी है मेला वाला घूम के, तो घर में अपना गोबर उबर वाला काम। हाँ, ना ठीक है, बहुत जल्दी तू बने अलवलू सास, ऐसे घबरा मत जोन तू कर। उम्र के असर से कौन वंचित रहा है वो तो समय सब पर आता है, आप पर भी आएगा, लेकिन ब्याह नहीं हो रहा है, चिंता की बात नहीं है। चलिए सोनू जी, कैसा लगा था बिहाने बिहाने में आके? बहुत अच्छा लगा था। सोनू तिवारी जी बाड़े कहाँ के रहे? जी हमार घर पड़ी नूरपुर, जोन गाजीपुर जिले में पड़ेला। सोनू मोनू टाइप के जोन बबुआ कलाकार बानी आज हमना बिहाने बिहाने में, इनका से बातचीत गीत संगीत सब रही जारी। काहे से कि अभी हमें को बात से पहले पूछ ले रहनी कि हम मन में रहे को बात करे के, अलग से संगीत सीखतानी कि ना सीखतानी? जे भी नया लड़का आवता लो जे गावे के क्षेत्र में आवता गायकी के, तो कैसेट एगो जरिया बा जो सब लोग तक पहुँचे के, तो कौन कौन कैसेट निकलल? पहलका कौन कैसेट निकलल? पहलका कैसेट हमारे रहे गहमर नगरीय मैया धाम, ओकरा बाद फिर आयल हमारे कैसेट कब आई दिनवा गवनवा के, फिर ओकरा बाद आयल जमाना बा घुस के, ओकरा बाद आवत झूठो बिहार बदनाम बा। एकदम दिल थाम के बैठा रही नया तरीका से, नया गायक नया उम्र के नया अंदाज में, का सुनाओ तनी सोनू जी बताई। अपन एक तरह से गर्लफ्रेंड के ऊपर बा, सुना के बताई। लागे सबसे अलग बेसी जवन मुस्काले, एने ओने छोड़ू हौ बीचे बीचे जाले। लागे सबसे अलग बेसी जवन मुस्काले, एने ओने छोड़ू हौ बीचे बीचे जाले। नायन कोरे दार वाली उहे इयरे इयरवा, हमार वाली उहे इयरे इयरवा, हमार वाली। केने केने हमार वाली कहाँ केने? देवर जी एगो बात बा, लेकिन बोलिए। हम चाहता नहीं कि कोनो तीर्थ उर्थ स्थान पर यात्रा क के हमनी के मिलजुल के प्रार्थना कर लेते नहीं? तो पूछ लेता नहीं पहले उनकरा से जे चली है कि ना भाई? चले के बा यात्रा पर घूमे फिरे? हो सकता कि ब्लैक सूट वाली कहीं वहाँ पे लोग जा से। तू कुछ आनु सुन लो हो? सब सुननी हम, हमार कान बहुत तेज बा, एक के दिन हमार कान खाली खराब हो रहे। दर्शक लोग भौजी के कान बहुत सेंसिटिव हो गई बा, लेकिन हमने के बीच में हमने के सोनू जी तैयार बने यात्रा पर चले के, और रघु लो तैयार बनी भौजी मिलजुल के चले जाओ यात्रा पर।
हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत वादियन में बसलबा एगो खूबसूरत जनपद नाहन। एहिजा स्थित बा पांवटा साहिब, गुरुमुखी में पांवटा के अर्थ होला पांव टिकाए के जगह। कोहलवाला की पौराणिक नदी यमुना के किनारे बसल ए शहर के नीव खुद दशम गुरु गोविंद सिंह रखले रहलो। ए स्थान पर गुरु कलगीधर पाठक शाह अपन सांसारिक यात्रा के दौरान भंगाड़ी के मैदान में पहला युद्ध कैले रहले। गुरु गोविंद सिंह जी इनके अनेक ग्रंथ के रचना कैले, जहाँ गुरु गोविंद सिंह निवास करत रहले, वही जगह आज स्थित बा सफेद पत्थर से बनल खूबसूरत पांवटा साहिब गुरुद्वारा। यमुना नदी के स्वच्छ जल में एक प्रतिबिंब बड़ा ही सुंदर लौकेला। ए स्थान पर यमुना नदी हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों से गुजरत मैदानी इलाका में प्रवेश करेगा और पांव जैसे मोड़ लेवेगा। यही से इस जगह के नाम पांवटा साहिब पड़ गए। सांझ सवेरे यह गुरुद्वारा में शब्द गायन कर जाला। भक्त गायक अपन सुरीला आवाज में साखी प्रस्तुत करेले। इनकर मधुर गायन सौंसे गुरुद्वारा के वातावरण में आध्यात्मिक आनंद के अनुभूति करावेला। यह गुरुद्वारा में आज भी गुरु गोविंद साहिब के द्वारा इस्तेमाल कैल गेल अस्त्र शस्त्र संग्रहित बा। यह अस्त्र शस्त्र नवयुवकन के बहादुर बने खातिर प्रेरित करेला। यह गुरुद्वारा के द्वार हर धर्म और संप्रदाय के लोगन खातिर खुला रहेला। बरहो महीना एजा लंगर चालू रहेला। श्रद्धालु लोग गुरु के प्रसाद समझ के लंगर ग्रहण करेले। पांवटा साहिब सिख संप्रदाय के ही ना बल्कि सभी धर्मावलंबियों खातिर एगो पावन तीर्थ स्थल हो। यात्रा हो गई भाई संपन्न, और हम अपना पूरा दिल से आंख बंद करके एकदम प्रार्थना करनी भगवान जी से। हे भगवान जी, सोनू के यार से मिलवा दी। सोनू जी, गाना सुने के मन करता और भी बात करे के मन करता, अब तक भी ना मन ली। अब तनी कुछ सवाल वाल तक करो उनके से। कभी शिकायत मेरी होगी? नो शिकायत, एकदम बड़ाई खाली, बहुत बढ़िया हो तू। सच्चा मन से? एकदम सच्चा मन से पहले सवाल उनसे किया जाए। कहां से मानल जाए? ये कहां से मानल जाए? ठीक बा। तो हम ये चाहता नहीं कि इनका जरा भविष्य उविष्य के जौन बाना प्लानिंग जरा फिट फाट करवा दी। बिल्कुल। सोनू तिवारी जी कौन राशि करवा बानी? मेष राशि। देवर भौजी एगो सिंह राशि, एगो मिथुन राशि, एगो मेष राशि। और एहिंगा राशि सबके मिल रउआ लोग के बाबा देश विदेश में बैठल तमाम दर्शक लोग के, तो चली जानल जाओ आज के दिन कैसन गुजरी आचार्य संजीव मिश्रा जी से ग्रह गोचर में। लेकिन एगो बात कह देता नहीं, जब बात रहेला गीत संगीत सुने के तो हमरा में ज्यादा देर पेशेंस ना रहेला। साफ साफ कह देता नहीं। बिल्कुल तो ठीक बा, कहाँ हमने के पीछे बनी सका भी। हमने के बीच में हमने के आती थी सोनू तिवारी जी, एगो नव युवक जे गायक बने, बहुत बढ़िया गावत अड़े, एकदम रसिक रसिक भी गाना गवले हैं। लेकिन अब सोनू जी से अगर फरमाइश करी सर तक का सुनाए जल्दी में। माई मर जाती है, आपके बाबूजी दूसर ब्याह कर लेता। अच्छा। और बहन के बहुत दुख देता है, नया जो मेहतारी आई हुई है सौतेली माई। हाँ, सौतेली माई। तो वह गीत में कहा था लिखा
कैसे बगाना सुना के गा के बताए। शादी का कैला कैला बवाल मैं भा महतारी से करावे लहाल जिंदगी में घोरे ला जहर काए बाबूजी हमरा के कोई दिह तो फरकाए बाबूजी हमरा के कोई दिह तो फरकाए बाबूजी अकेले के बड़ी दूर चली जाई ओहरे रहबै हम कबहु नै आई रहब ना देखब एही घरवा के चौकट बाँचल रहब सब कर करहट बाँचल रहब ना सब कर करहट माईया बाबू बन के राखबिया अखिया जो मांगी दे अखिया निकाल करब हम सेवा ससुर काए बाबूजी हमरा के कोई दिह तो फरकाए 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 बाबूजी। बहुत अच्छा। ये कहानी होला कहीं कहीं जरूर होला कोनो कोनो घर में तब ओकरे पता चलेला कि एकर दुख का होला भगवान ना करे कि कोनो लड़का बच्चा के साथ ऐसन ओके। बिल्कुल। और सोनू जी बहुत अच्छा मैटर सोचल बा और गाना अभी ठीक बा अच्छा बाटे और कोशिश होके चाहिए ये चीज के जो थीम बाटे एकरा के और निखार के सही ढंग से रखे के क्योंकि ये समस्या बा हमनी के समाज के तो और अगला बार जब वो आए तो देवर भौजी से वादा करके जाई कि ये टाइप के गाना हमनी के समाज से पे आधारित समाज की समस्या जितना बा ऊपर आधारित गाना सुनाए तो अपन दर्शक सबके तरफ से उनके तरफ से और हमनी सबके तरफ से रउआ के ढेर सारा आशीर्वाद शुभकामना धन्यवाद। और जाते जाते एगो आती थी के नाते प्रणाम बा पहले आप लोग में प्रणाम ओकरा बाद देखे वाले लोग के सोनू तिवारी के प्रणाम बा। फायदा मिलल कि ना मिलल? बिल्कुल फायदा मिलल और हम चाहता नहीं कि रउआ लोग चिट्ठी लिख के बताई और जे नया लोग कलाकार बा जी आवे के चाहता वो लोग बतावे लेकिन अभी तनी नुस्खा के बात करे से ओकरा बाद पता के बात करे। नुस्खा के बात ई बात अगर गर्मी के मारे बेहोशी आ जाए कभी केकरो फिट आ जाए तो हम सुननी है कि ककड़ी काट के सुंघौला से बेहोशी दूर हो जाला। बिल्कुल। तो ये सब कहाँ से पढ़ लू तू ये बताओ। अरे हम टैलेंटेड आदमी हैं। अब हमनी के बात करें सर बोल के भेजल चिट्ठी के तो चिट्ठी में से हम पढ़िए को उठा के। बिल्कुल पढ़िए। ठीक है। और का करी सदर सक लो हमनी के टाइम कम होकला के चलते एगो दुगो चारगो ना पढ़ ईमेल भी बहुत बा देवर जी बहुत ईमेल एगो ए चिट्ठी तरह आइल बटे आइल बटे धनबाद से दीपक सिंह के लिखत रहे के सब लोगन के हमार आदाब नमस्कार रवो के आदाब और नमस्कार। हाँ बिहाने बिहाने प्रोग्राम करे वाला देवर भौजी लो तो लाजवाब बाड़ लो भाई हर लोग लड़त आ रो लेकिन लड़ाइयों में प्यार झलकत अटे और हमार इहे शुभकामना बा इहे भगवान से गुहार करत नी कि तू लोग बहुत आगे बढ़लो और बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी रउआ के बहुत 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 धन्यवाद पत्र भेजे खातिर प्रोत्साहन बढ़ावे खातिर। चलिए दर्शक लो ठीक बा काल 7:30 बजे देवर भौजी दोनों आदमी आजम सर तब तक खातिर हम विजया भारती इनकर दमदार भौजाई के तरफ से रउआ सबके सादर प्रणाम बाटे। ठीक बा और हम अजीत आनंद के तरफ से भी नमस्कार प्रणाम। बिहाने बिहान